है बड़ी मुश्किल से, मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते। जय जिनेंद्र। बंदोला समारोह में पधारे सभी मान्यवरों का राका परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत। बेटी रितिका, मानो कल की ही बात हो, हमारी गोद में तू खेला करती थी। तो सिर्फ ललवाणी परिवार की ही नहीं बल्कि राका परिवार की भी बेटी है। आज तुम्हारे विवाह के उपलक्ष में आयोजित बंदोला का ये स्नेह भरा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। समय के पहिए कब इतनी तेज रफ्तार से गुजरे पता ही नहीं चला। राका और ललवाणी परिवार के स्नेह बंधन का ये सिलसिला केवल तुम्हारे बचपने से ही नहीं बल्कि तुम्हारे पापा अजय और मेरे बचपन से शुरू होता है। 35 साल से ज्यादा समय हो गया अजय और मेरी दोस्ती को। हम दोनों की दोस्ती आज भी जवां है, जैसे चाशनी में चीनी। इस यारी दोस्ती की दास्तान भी कुछ ऐसी ही है जो शुरू होती है आरआर स्कूल के दिनों से। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तेरा साथ ना छोड़ेंगे। सच कहते हैं कहने वाले, तुझे याद है अजय, बचपन के वो मस्ती और खेल कूद के दिन, आरआर स्कूल की शरारतें, साइकिलिंग, स्विमिंग, कंचे, भंवरे, क्रिकेट और तेरा वो खटारा काइनेटिक, वो कैसे भूल सकता हूं मैं। पर एक बात बोलूं यार, जो मजा, जो कंफर्ट तेरे खटारा काइनेटिक में था ना, वो आज के लाखों रुपए की कार में भी नहीं मिलता मुझे। अलग अलग सिक्के इकट्ठा करने का तेरा वो पागलपन, उस धुन में हम न जाने कहां कहां घूमते थे पागलों जैसे। मेरे बचपन को यादगार बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन से आज तक हम हमेशा साथ रहे, रथ चौक से भवानी पेठ, जयनगर, मेहरून, नवी पेठ, जिंदगी के हर मकाम पर हमेशा साथ रहा। कहीं फंक्शन में जाना हो तो साथ जाकर मजा करना, और अजय की सलाह लिए बगैर तो मैं आज भी कोई फैसला नहीं ले पाता। और वो भी तो मेरे जैसा ही है, कुछ भी नया करना हो तो गांव भर पंचायत करना, गांव भर चौकसी निकालना, हम दोनों की आदत आज भी है। बचपन के खेलों में अजय हमेशा मुझसे जीता करता था, पर जिंदगी के खेल में जब भी मुश्किल घड़ी आई तब अजय ने हमेशा मुझे जिताया। कहते हैं सच्चे और अच्छे दोस्त की परख बुरे वक्त में होती है। अनेकों बार अजय ने सच्ची दोस्ती का हक अदा किया। जब भी मुझ पर या परिवार पर संकट का पहाड़ टूटा वो हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहा। तुझे याद होगा अजय, बाई जब अस्पताल में एडमिट थे पूरे 8 दिन तो मेरे साथ रहा, हम दोनों पूरा 1 हफ्ता एम्बुलेंस में सोए।
2009 में जब जीजा जी का देहांत हुआ, तब तू बेबी ताई को बोला था कि तुम्हारे 3 नहीं 4 भाई हैं, मैं भी तेरा ही भाई हूँ। तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे ये भाई तुझ पर मुश्किलों की आंच नहीं आने देंगे। उस हादसे के कुछ दिनों बाद जब बेबी ताई के लिए फ्लैट लेना था, तब तूने एक पल भी विचार न करते हुए फ्लैट की चाबी थमा दी और बोला कि यार पारस, ये बेबी ताई के घर का सवाल है, तू 1 रुपया भी देगा तो मैं ले लूंगा। ऐसे एक नहीं अनेक किस्से हैं यार तेरी दिलदारी के। अभी 2-2.5 साल पहले ही आनंद की शादी के वक्त गवर्नमेंट ने नोटबंदी का धमाका किया था। उस वक्त मैंने रिसेप्शन कैंसिल करने का फैसला किया था, पर तूने उस वक्त आगे आकर कहा, तू चिंता मत कर पारस, जो होगा मैं संभाल लूंगा। अजय, तू साथ होता है तो मुझ में हिम्मत आ जाती है। तेरे साथ बचपन कब पीछे छूटा समझा ही नहीं। हमारा बचपन गया लेकिन बचपना आज भी है। खाने का इसका शौक जग जाहिर है, खाइन तर तुपाशी नाही तर उपाशी, ऐसा इसका स्वभाव रहा है। 20 रुपए की चाय के लिए 200 रुपए की टैक्सी करने का पागलपन, ये पागल ही कर सकता है। एक बात कहूं, ये ऊपर से जितना सीधा दिखता है ये उतना भोला है नहीं। कुछ ना कुछ जुगाड़ करना, तिकड़म करना, ये इस बदमाश का स्वभाव रहा है। इस स्वभाव ने ही अजय के अंदर छिपे बिजनेसमैन को उजागर किया है। बचपन का सिक्के जमा करने का शौक अजय को कब बिजनेस में लेकर आया पता भी नहीं चला। एंटीक चीजें जमा करने के शौक ने उसे भी एंटीक बना दिया। बिजनेस की कोई पार्श्वभूमि न होते हुए भी अजय ने शून्य से विश्व निर्माण किया। उसके बिजनेस के पैंतरे देखकर मैं भी बिजनेस करना सीख गया और अभी भी सीख रहा हूं। हमारे दोनों की तरह हमारे राका और ललवाणी परिवार का रिश्ता भी दोस्ती से परे है। हमारे इस रिश्ते का कोई नाम नहीं। आज रितिका बेटी के विवाह के उपलक्ष में आयोजित बंदोला समारोह में बस इतना ही कहना चाहूंगा। ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों। हम